Dear student of 7th class, today we will do question number 4, exercise 5.1. Find the angle which is equal to its complement. हमें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के इक्वल हो, मतलब वो एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो इक्वल. और आपको पता है कॉम्प्लीमेंट एंगल पेयर कौन से होते हैं, हुज सम इज 90. लेट फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल, फर्स्ट कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या हो गया एक्स, तो सेकंड क्या होगा, दोनों एंगल क्या है, इन्होंने बोल रखा है फाइंड दी विच आर इक्वल, तो सेकंड कॉम्प्लीमेंट एंगल भी क्या होगा एक्स. देन यू विल राइट वी नो दैट सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल इज, कॉम्प्लीमेंट एंगल का सम क्या होता है 90. फर्स्ट एंगल क्या है एक्स, दोनों इक्वल हैं तो दोनों क्या हो गए एक्स, और दोनों का सम हमारा क्या होता है हम जानते हैं 90. 2x इज इक्वल टू 90, एक्स इज इक्वल टू जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है एक्स के पास, 90 के पास आएगा तो डिवाइड में, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 45. तो बोथ एंगल हमारे क्या हो जाएंगे 45 45, दूसरा भी क्या 45, दोनों इक्वल हैं, दोनों का सम क्या है 90 है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5. फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट, ऐसा एंगल फाइंड कीजिए जो अपने सप्लीमेंट के इक्वल हो. लेट फर्स्ट सप्लीमेंट एंगल, हमने यहाँ पे लेट किया, वो आप क्या लेट करोगे एक्स. देन सेकेंड भी क्या हो जाएगा क्योंकि दोनों क्या हैं इक्वल हैं एक्स. देन यू विल राइट वी नो दैट सम ऑफ सप्लीमेंट एंगल इज, सप्लीमेंट एंगल का सम क्या होता है 180. फर्स्ट इज एक्स, सेकेंड इज आल्सो एक्स, और दोनों का सम क्या होता है 180 डिग्री एक्स एंड एक्स. 2x क्या आ गया 190, ये 180 इधर आके डिवाइड करेगा तो एक्स की वैल्यू यहां से हमारी क्या आ जाएगी, कट करेंगे 90 डिग्री. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 6. इन द गिवन फिगर एंगल 1 एंड 2 आर सप्लीमेंट्री एंगल. देखिए ये हमारा एक फिगर है, सप्लीमेंट्री क्या होते हैं, अगर दो एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन बनाए, 180 की लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन होती है 180 एंगल, एक सीधी लाइन बनाए तो उन एंगल को हम सप्लीमेंट्री कह सकते हैं. इन अदर वर्ड इफ सम ऑफ टू एंगल इज 180 दैट आल्सो सप्लीमेंट्री एंगल. इफ एंगल 1 डिक्रीज व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन 2 सो दैट बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री. उन्होंने कहा अगर एक एंगल को हम क्या कर दें डिक्रीज, तो दूसरे एंगल पे क्या फर्क पड़ेगा. देखिए जैसे डिक्रीज का मतलब ये वाली लाइन इधर आती जाएगी तो 2 कितना चौड़ा होता जाएगा यानी बढ़ेगा. अगर एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं तो 2 इंक्रीज होगा, 1 को डिक्रीज करते हैं तो क्या होगा 2 डिक्रीज. तो इन दोनों केस में जो दोनों एंगल का सम है वो क्या रहेगा 180. हियर इफ एंगल 1 इज डिक्रीज देन एंगल 2 मस्ट बी इंक्रीज. अगर 1 डिक्रीज होता है तो 2 इंक्रीज होगा, 1 इंक्रीज होता है तो 2 आपका क्या होगा डिक्रीज होगा. बट बोथ रिमेन्स सप्लीमेंट्री एंगल. दोनों में से एक इंक्रीज होता है एक डिक्रीज होता है, लेकिन दोनों का सम तो क्या रहेगा 180. अगर 1 डिक्रीज होता है तो 2 आपका इंक्रीज होगा, बट बोथ रिमेन सप्लीमेंट्री एंगल. नाउ कम टू द 7th. कैन 2 एंगल बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर, क्या कोई 2 एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं. इन फर्स्ट केस में हमें बताना है एक्यूट. फर्स्ट केस में क्या है एक्यूट. इफ बोथ आर एक्यूट मीन्स लेस देन 90. एक्यूट का मतलब क्या होता है लेस देन 90.
अगर दोनों एंगल क्या हैं 90 से छोटे हैं देन नोट सुप्लीमेंट्री एंगल पेयर, सुप्लीमेंट्री एंगल पेयर। इन्होंने क्या कहा, अगर एक सुप्लीमेंट्री एंगल है, एंगल पेयर है, तो क्या दोनों एक्यूट हो सकते हैं? यहां पे आप लिखोगे एक्यूट में क्या आ गया, नो, क्योंकि दोनों 90 से छोटे होंगे तो सुप्लीमेंट्री, उनका दोनों 90 का लेस होंगे तो उनका सम 180 नहीं होगा। नाउ कम टू दी सेकंड, इसमें क्या है, ऑब्टूज सिमिलरली इफ बोथ आर ऑब्टूज मीन्स मोर देन 90, मोर, अगर दोनों 90 से बड़े होंगे देन जो सम होगा उनका क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 180। तो ये भी क्या नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल। नाउ कम टू दी थर्ड पार्ट विच इज राइट एंगल, इफ बोथ आर राइट एंगल देन सम, देन उनका सम क्या होगा, अगर दोनों राइट का मतलब क्या होता है 90, 90 प्लस 90 क्या हो गया 180, यस वो क्या हो जाएंगे, सुप्लीमेंट्री एंगल पेयर, सुप्लीमेंट्री एंगल पेयर। तो दोनों फर्स्ट एंड सेकंड नो रहेंगे, थर्ड आपका यस।